को बुखार आया है तो उसको अब इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। देखिए पे मैम डर के मारे उधर मुंह किए हैं। पे मैम मुंह दिखाओ। अभी बुखार आया था तो सुबह सुबह कपड़े धो रहे थे ठंडा पानी से। अरे मुझे एक बार बोल दिया होता मैं। मैम को फिर से इंजेक्शन। सुबह लाइट खराब हो गई थी ना, स्टार्ट हो गया था। बहुत मजा आएगा पेम मैम। पेम मैम को बहुत मजा आएगा पे। अभी पेमा मैम चेहरा दिखाओ इधर। अभी इंजेक्शन लगाया जा रहा है पेमा मैम को बुखार का। तो बहुत जरूरी है इंजेक्शन लगाना। पेमा मैम ले देखो। देखो देखो आराम से। पेमा मैम इधर। पेमा मैम इधर। हम लोग देखते थे। पेमा पेमा मजा आया। सही कही था ये देखिए। पेमा मैम अभी इंजेक्शन लगा के खुश हो रहा है देखो। कहा नहीं सुनते हैं ना। जो बुखार के टाइम में जो कहा नहीं सुनता है उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा इसी तरीके से। अच्छा हुआ। तो गाइस अभी अभी इंजेक्शन लगा के हम लोग वापस आ रहे हैं। अभी शाम के समय सुबह तक मतलब दिन अभी 5 बजे तक ठीक था। 5 बजे के बाद थोड़ा ज़्यादा ही मतलब वो बुखार उसको चढ़ गया पेमा को। तो अभी हम लोग इंजेक्शन लगा के वापस स्कूल जा रहे हैं स्कूल के अंदर। तो दोस्तों अभी बहुत ठंडे का मौसम भी है तो अभी ठंडी में वो पानी मैं कपड़ा ठंडा पानी से कपड़ा धो रही थी दिन में। मैं बोला कि मत धो फिर भी वो मेरे बात को अनसुना कर रही थी। अभी उसको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए बीमारी बीमारी अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है। बुखार थोड़ा सा बुखार आया थोड़ा सा जुकाम हुआ तो लोग बोलेंगे कि कोरोना हो गया है। तो अभी बहुत बच के चलना चाहिए। वैसे भी ठंडा मौसम में बुखार सर्दी जुकाम तो होता ही है दोस्तों। तो अभी तुरंत इंजेक्शन लगा के ले आया। जैसे बुखार हुआ वैसे ही इंजेक्शन लगा दिया। तो कोविड का इंजेक्शन तो हम लोग लगा चुके हैं। और दोस्तों फाइनली हम लोग शाम में इंजेक्शन लगा के अभी रूम पे पहुंचने वाले हैं। यहीं पास में ही जो डिस्पेंसरी है पास में है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी हुआ तो तुरंत यहाँ पे पास करने डॉक्टर वहीं पे रहता है डिस्पेंसरी में रहता है। तो बहुत आराम हो गया है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी बहुत अंधेरा है अभी थोड़ी देर में मिलता है। हेलो गाइस हम लोग अभी डिस्पेंसरी से रूम पे आ चुके हैं और अभी दवा
लिए हैं और इंजेक्शन भी पे हम इंजेक्शन लगाए हैं, साथ में अभी दवा भी दिए हैं दोस्तों। ये देखिए दवा, इतना सारा दवा दिए। अभी ये दवा खा के पे मैम खाना खाएगी, उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद खाना खा के पे मैम सो जाएगी दोस्तों। खाना ना खाए खाए आज पहले, लेकिन अंदर के और यहाँ पे है बीमारी। देखिए चेहरा हमको बहुत खांसी बुखार, हमको हर दिन बुखार आते, गोभी से इंजेक्शन लगा देते हैं। अभी पे मैम सोने जा रहा है दोस्तों। मैं बहुत बार समझाता हूँ कि आप जब बीमार हो तो ठंडा पानी बिल्कुल यूज मत किया करो, मैं हर दिन बोलता हूँ। और आज सुबह सुबह कल से ही थोड़ा थोड़ा बुखार तो आ रही थी, और आज सुबह सुबह उठ के कपड़ा धो रही थी, और मैं बोला कि नहीं छोड़ो, मैं धो रहा हूँ, क्यों बीमारी हो, क्यों बीमार हो, क्यों धो रहे हो? तो बोली कि नहीं नहीं अभी हो गया है इतना ही, तो बहुत सारे कपड़ा धोए थे। तो अभी 4-5 बजे तक तो ठीक था, लेकिन 5 बजे के बाद दोस्तों इतना कांपने लगी। तो अभी मुझसे भी देखा नहीं गया, तो मैं बोला कि चलो चलते हैं डिस्पेंसरी, और डिस्पेंसरी जाके इंजेक्शन लगवा दिया, क्योंकि इंजेक्शन से जल्दी रिकवर हो जाता है दोस्तों, दवा से बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में, तो इंजेक्शन जल्दी रिकवर करता है। तो इसलिए मैंने उसको यही रिकमेंड किया कि मतलब इंजेक्शन ही लगाए, क्योंकि इंजेक्शन से बॉडी पेन भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ में आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो बाय बाय।